अस्सलाम वालेकुम तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं एनीमिया एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच योर लेक एंड ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडविकेट ऑक्सीजन टू योर बॉडी टिश्यू इसके अंदर ये कह रहा है कि एनीमिया क्यों होता है किस वजह से होता है ठीक है इसके अंदर क्या होगा लेक ऑफ डेड ब्लड सेल्स इसके अंदर डेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा जिसकी वजह से एनीमिया को देख एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी ठीक है ना और ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू को कम मिलेगी उससे कहेंगे एनीमिया सिम्टम्स की बात करते हैं इसके अंदर फटीक आ जाएगा वीकनेस वगैरह हो जाएगी एंड पेल और येलो स्किन हो जाएगी इन हार्ट बीट्स होगी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो एंड चेस्ट पेन होगी डिस्पेरेटरी डिजीज एनेस्थीसिया एंड सर्जरी है डेलीट्रीशियस डेल्ट्रीशियस इफेक्ट्स ऑन डिस्पेरेटरी सिस्टम Patient पेशेंट विथ प्री और डिस्परेटि डिजीज आर मच prone prone to have respiratory problems. Prone to have respiratory problems. तो इसके अंदर क्या होगा डिस्परेट डिजीज के अंदर एनेथीजिया होगा एंड सर्जरी से पहले हम एनाथीजिया लगाएंगे ठीक है ना एंड डायट्रेशियस इफेक्ट होगा डिस्परेट सिस्टम का तो प्री पेशेंट के अंदर क्या होगा प्री existing डिस्परेटि डिजीज़ देखने को मिलेगी तो अस्थमा की बात करते हैं देर इज एन ऑफ सिम्टम्स एनडिक्स सिमटम्स एंड निमोनिया अस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन अफेक्टिंग चिल्ड्रंस एंड अडल्ट वो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो चिल्ड्र में होगी और अडल्ट में होगी द एयर पैसेज इन द लंग्स बिकम नैरो इसके अंदर कह रहा है कि जो एयर uh, पैसेज है एयर पैसेज इन द लंग्स बिकम नैरो इसके अंदर जो लंग्स का एयर पैसेज होगा वो नैरो हो जाएगा जिसके पास क्या होगा उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाएगी और मसल के अंदर हो जाएगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ठीक है ना उसे कहेंगे अस्थमा क्वाकुलेशन डिसऑर्डर इसके अंदर आ जाएगा थ्रोम्बोफीलिया इफ यू हैव थर्म्बोफीलिया इट मीन्स योर ब्लड कैन फॉर्म क्लॉट टू ईजीली इसके अंदर कह रहा है कि जो हमारे इसके अंदर क्लाट ब्लड वेसल के अंदर क्लाट बनना स्टार्ट हो जाएंगे इजीली उस कंडीशन में कहेंगे थर्म्बोफिलिया सिम्टम इसके अंदर आ जाएंगे स्वेलिंग इन वन लेग वार्म स्किन अराउंड द पेनफुल एरिया एंड रेड और डार्कनेस स्किन अराउंड द पेनफुल एरिया इसके अंदर कह रहा है कि रेड और डार्कनेस स्किन हो जाएगी इसके अंदर तो उसके अंदर पेनफुल एरिया होगा पेन होगी उसके अंदर ठीक है ना तो ये इसके सिम्टम्स हैं तो एंटी कोगुलेशन थेरापी की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा एंटी कोगुलेंट्स थेरापी इज द कॉम्प्लेक्स एंड एसोसिएटेड विद द दब्सटैशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क दिस गाइडलाइंस फोकस ऑन द ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ द एंटी कोगुलेंस ड्रग्स इट टेक्स ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स टू रिसर्च एंटीकोगुलेंस वो कह रहा है कि एंटीकोगुलेशन थेरापी के अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर ट्वेंटी फोर टू एटी आवर्स ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स के लिए देंगे ये एंटी कोगुलेशन ठीक है ना तो आगे हिमोफीलिया हिमोफीलिया एज एसोसिएटेड विद फैक्टर ए डेफिशियंसी वो कह रहा है कि हिमोफीलिया ए जो होगा इसके अंदर फैक्टर एट की डिफिशियंसी होगी और हिमोफीलिया बी के, के अंदर फैक्टर नाइन की डेफिशियंसी होगी ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडर्स ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडर्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जेंडर्स वेयर सिम्टम्स डिवेल्प ड्यू टू नैरो और ब्लॉकड बायोडक्ट उसके अंदर कह रहा है कि जो सिम्टम्स होंगे वो नैरो हो जाएंगे ब्लॉक हो जाएंगे बायोडक्ट तो क्या होगा पेंक्रियाटिक प्रवेंटिंग द नॉर्मल ड्रेनेज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इन टू द इंटस्टाइन तो इसके अंदर सिम्टम हो जाएगा येलविंग ऑफ द स्किन एंड वाइट वाइट्स ऑफ द आई इसके अंदर जो हमारी स्क्लेरा होगी वो वाइट्स होती है आगे पहले वाइट्स ऑफ द आई एंड लॉन्ग लॉन्ग कलर स्टूल्स होगा एंड डार्क यूरन आएगा ठीक है तो मेटाबॉलिक सर्डर की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा डायबिटीज पेशेंट्स आर एट वेरी हाईडिक्स एंड टू वेरीप ही सीवी एंड डायबिटीजो डायबिटीज पेशेंट मेंसुलिन डिपेंडेंट टेकिंगल हाइपोग्रासीमिया एजेंट्स और इंसुलिन डिपेंडेंट वो कह रहा जो है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं वो ठीक है ना तो उसको औरल ही हाइपोग्रासीमिया देंगे तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा ठीक है ना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी होते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट भी होते हैं तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा देर आर एट हाई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया विच इज इज नोटिस ब्रेन इंजरीज कोमा एंड डेथ दे शुड बी फर्स्ट ऑन लिस्ट एंड स्टॉप द मॉर्निंग डोज ऑफ द ओरल हाइपोग्लाइसीमिया हैव द रेगुलर रेगुलर शुगर चेक इसके अंदर रेगुलर शुगर हम चेक करेंगे तो वो कितनी होगी वन टू टू आर ठीक है ना एक से दो घंटे के लिए हम बार बार शुगर का लेवल चेक करेंगे हैव इंट्राविन कैनला विद स्लो इन्फ्यूज ऑफ ड्रोसिलाइन मिक्सचर इसके अंदर हम डेक्ट्रोसलाइन को मिक्सचर करेंगे उसका मिक्स करेंगे एस हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस वो कह रहे हैं इज मोर डेंजरस है और हाइपोग्रेसीमिया मॉडरेट हाइपरग्रासीमिया इज एक्सेप्टेड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की बात करते हैं जिसके अंदर आ जाएगा एडमिट ऑन द डे बिफोर सर्जरी ठीक है सर्जरी से पहले हम इसमें एडमिट करते हैं ठीक है बी फर्स्ट ऑन लिस्ट एंड स्टॉप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नाइट बिफोर सर्जरी एंड चेक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी डू नॉट गिव नॉर्मल इंसुलिन डोज स्टार्ट स्लाइडिंग स्केल वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या होगा नॉर्मल इंसुलिन डोज हम स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग स्केल के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो मेथड्स ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पेशेंट विद पुअर ग्लाइसेमिया कंट्रोल स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन इज नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटेड स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन ग्लूकोज एंड पोटाशियम तो थायोटॉक्सिकोसिस अ क्लिनिकल स्टेट एसोसिएटेड विद द एक्सेस थायराइड हार्मोन एक्टिविटी यूजली ड्यू टू इन स्क्रीनिंग इसके अंदर कह रहा है कि थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी उस कंडीशन के थायरोटॉक्सिकोसिस एंड अदर नेम ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस थायरटोक्सिकोसिस द थायराइड स्टॉर्म और थायराइड क्राइसिस थायरोटॉक्सिकोसिस के अदर नाम एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कौन कौन से एम सोज में भी आ सकता है थायरोटॉक्सिकोसिस अदर नाम है थायराइड स्टॉर्म और तीसरा नाम है थोराइड क्राइसिस ये आपने नहीं बोलना याद करना है आपने साइंस एंड सिम्टम साइंस इसके अंदर क्या होगा टैक्या ट्रीमर्स और ट्रिमर्स का जब जो बंदा बोरा 80, 80 हो जाता है एटी एटी से बाव हो जाती है उसकी उम्र तो उसके जो हाथ काम थे ना उससे कहेंगे डाशा का दाशा कहते हैं उसके बंदे के हाथ काम थे उसको कहेंगे ट्रीमर्स गोइर्स गिल्लर वगैरह वहां मोस स्किन सिम्टम्स की बात करते हैं उसका पालपिटेशन फटीक वीकनेस डायरिया पोली ज़्यादा यूरिया यूरन आएगा एंड ओलिगोमनोरिया जो औरतों को वगैरह आते हैं उसे कहेंगे ओलिगोमनोरिया काज की बात करते हैं इट कैन बी कॉज बाई हाइपथाइडिज्म और अदर कंडीशन इज लाइक थर्डाटस ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ड्रग्स एंड ड्रग्स एंड थायराइड सर्जरी भी कराएगी ठीक है तो आगे हम बात करते हैं इज अ कंडीशन इन विच यू थोराइड ग्लैंड नॉट प्रोड्यूस अनाफ फॉर सर्टेन क्रूशियल हार्मोन्स। इसके अंदर कह रहा है कि जो ये एक तरह कंडीशन होगी जिसके अंदर थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा कम ही होगा उसे कहेंगे हाइपोथराडिज्म सिम्टम्स के अंदर आ जाएगा टायर्डनेस एंड वेट गेन एंड कॉन्स्टिपेशन डिप्रेशन एंड मसल क्रैम्प काज की बात करते हैं इसके अंदर आ जाएगा द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इज द नोन एज हाशिमोटो आटोम इसके काज के अंदर हाशिमोटो हाशमोट आ जाएगा ट्रीटमेंट टेकिंग डेली हार्मोन रिप्लेसमेंट टैबलेट्स इसके अंदर हम डेली रोजाना बेस पे हम इसके अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट टैबलेट्स देंगे जिससे कहेंगे लेवोथरेक्सन ये आपने नहीं बोलना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सेक्सन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कैन अकर्स इन द पेशेंट मैन इंटरटाइन ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेरेटोनाइटस प्रॉपर फ्लू इज मैंडेटरी बिफोर ऑपरेशन अदरवाइज इस मे लीड्स टू हाइपोविलीमिक शार्क और अक्यूटिनल शट डाउन इसके अंदर कह रहा है कि जब पानी की कमी हो जाएगी आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर इंटस्टाइन की ऑबस्ट्रक्शन हो जाएगी ठीक है उसके अंदर रुकावट वगैरह आज आ जाएगी तो रुकावट आएगी तो क्या होगा पेरेटोनाइटस होगा ठीक है uh, तो प्रॉपर फ्लोर जो होगा ना वो उसके अंदर डिस्ट्रिक्शन आ, जाए, आ जाएगी कमी आ जाएगी कमी आएगी तो क्या होगा मैंडेटरी ऑपरेशन हो जाएगा ठीक है ना मैंडेटरी बिफोर ऑपरेशन अदरवाइज इट्स लीड्स टू हाइपोब्लीमिक हाइपोब्लीमिक शॉक हो जाएगा ठीक है शॉक में शॉक की कंडीशन हो जाएगी एंड क्यू रीनल शट डॉन हो जाएगा उस उस कंडीशन कहेंगे डिहाइड्रेशन रीनल फेलियर के अंदर आ जाएगा पेशेंट हु हैव रीनल फेलियर बट आर नॉट डायलिसिस एंड रिनल फेलियर कैन अकर्स ड्यू टू द इंट्रा ऑपरेटिवियस एंड पोस्ट ऑपरेटिवली तो अबेस्टी के अंदर आ जाएगा अबेस्टी मोटापा मोर देन थर्टी परसेंट अब आर्डियल वेटी कार्डिस्कुलर एंड कम्प्लिकेशन एंड इट्स मे कॉजटि फैक्टर्स इन समिजीज को इसके अंदर क्या होगा अबेस्टी के अंदर हमें इसके अंदर मोर देन थर्टी परसेंट के अंदर वेट हो जाएगा पेशेंट के अंदर तो इसके अंदर रिस्क कितना हो जाए कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी का जो होगा वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा जब इंक्रीज होगा तो हमें एक कास्टिव फैक्टर देखने को मिलेगा तो एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके अंदर इस इसके अंदर दो तरह के एग्जांपल आएंगी अम्बलिकल्स और